हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AWT यानी आवाज़ वाणी टेक चैनल। आज हम एक ऐसे रेडियो से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिससे देखकर आपको थोड़ी खुशी भी होगी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए भी बन जाएगी आपके लिए। ये एक पुराना टाइप का रेडियो है जो फिलिप्स हुआ करता था, टू बैंड वाला। ये टू बैंड वाला रेडियो सिस्टम है, एक पुराना है। इसके अंदर हम देखेंगे इसकी बनावट जो है वो किस तरीके की होती थी। इसका आउटपुट स्पीकर जो है जिसकी बदौलत आप वो म्यूज़िक वगैरह ऑडियो सिस्टम सुन सकते थे। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ देखेंगे इसका लुक कैसा होता था। और उस ज़माने में एंटेना नहीं हुआ करते थे जो आप लगाते थे आजकल के रेडियो में, जो आप देखते थे बड़े बड़े एंटेनाज। और ना उस वक्त FM के ये स्टेशन आते थे। इस वक्त सिर्फ दो ही स्टेशन थे, एक मीडियम वेव और दूसरा जो है वो है शॉर्ट वेव। और ये इसका बैंड है, यहाँ देख लीजिए आप, ये इसका बैंड है, ये बैंड सिस्टम है इसका। यहाँ देख लीजिए आप, मीडियम वेव शॉर्ट वेव, काफ़ी पुराना है। ये इसके ट्रांजिस्टर से होते थे, एक ट्रांजिस्टर सेट। ये इसके जो है कैपेसिटर्स, छोटे छोटे कैपेसिटर्स, रेसिस्टर वगैरह। और ये होती एक चिप, IC चिप्स। इनके बदौलत से हम इसको वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं और ट्यून भी कर सकते हैं। अगर रेडियो की ट्यूनिंग करनी होती थी तो हम इनके बदौलत करते थे IP। यहाँ देख लीजिए आप, इन A1, 2, 3 इनके ज़रिए हम ट्यूनिंग सेट करते थे रेडियोज़ को। ये आजकल के रेडियोज़ में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आजकल के रेडियोज़ में थोड़ा अलग है। वो ये एक रिले होती है, एक तो ये चैनल जिस पर आप सेट करते थे, कोई भी चैनल मीडियम या शॉर्ट वेव क्यों ना हो। और एक एंटेना क्यों नहीं होता था, एक्चुअली इसके अंदर भी एक एंटेना होता था। गौर से देख लीजिए, ये आपको जो वायरिंग सिस्टम नज़र आती है इस टाइम, यहाँ दिखाएंगे हमको ये दो वायर्स। इसको क्या यहाँ से लपेटे हुए है, यहाँ से इसको सर्कल बनाए हुए आपको जो नज़र आ रहा है, इधर से इधर तक चारों तरफ फैलाकर दो चार टर्नर्स मार के इस वक्त इसके अंदर से। यहाँ देख लीजिए आप, रेडियो सिस्टम जो है एक्चुअली एंटीना, आजकल के एंटीनाज यहाँ से लगे हुए होते हैं यहाँ से, लेकिन उस दौरान अंदर से इसकी वायरिंग सिस्टम IC होती थी जो एंटीना का काम देता था। यहाँ देख लीजिए आप, इसकी फिटिंग कैसी होती है, इस तरह की फिटिंग। ये इसका स्पीकर होता था, आजकल DJ वाला स्पीकर आता है, ये पुराने ज़माने का स्पीकर है। और ये इसका ट्रांजिस्टर सेट है, प्लेट है जिसमें हम ट्यूनिंग कर सकते वगैरह। और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये रेडियो की अंदर से बनावट जो है इस तरीके की होती थी कुछ। आज हमने आपको दिखाया है रेडियो अंदर से कैसा होता था पुराने ज़माने का, यानी आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। ये ऐसा रेडियो मैंने आपके लिए लाया, मैंने सोचा था कि आपको दिखाएंगे उस ज़माने का रेडियो सिस्टम, जो इसका इनसाइड लुक होता था वो कैसे होता था, इस तरीके का होता था, देख लीजिए आप। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एक छोटा सा वीडियो था, तो वीडियो को लाइक करना है प्लीज़। बाकी रहे खुदा के हवाले।